बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काशकार भाइयों, आपने आजकल देखा होगा, मैंने भी विजिट किया है और दोस्तों के टेलीफोन भी आते हैं कि गंदम के सिट्टे जो है वो अचानक स्याह होना शुरू हो गए हैं, यानी उनके सिट्टों पर स्याह सपाट काले धब्बे आना शुरू हो गए। अब हमारे काशकार इस वजह से बहुत परेशान भी है कि आया ये कोई बीमारी तो नहीं है, रस्ट तो नहीं है। आप बिल्कुल समझदार हैं कि रस्ट की अलामत और होती है। अब अगर ये रस्ट भी नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है, तो फिर ये क्या है? एक्चुअली ये कोई बीमारी नहीं है, ये दरअसल फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, यानी टेम्परेचर का, दर्जा हरारत का अचानक बढ़ जाना या कम हो जाना। आपने आजकल देखा होगा कि सुबह के वक्त बहुत ज्यादा शबनम होती है और मैदानी इलाकों में ये भी होता है कि थोड़ी बहुत मामूली सी धुंध भी होती है और इस धुंध में काफी नमी मौजूद होती है। ये नमी फसल पर, सिट्टों पर आ जाती है और 9 बजे के बाद यकदम हमारा जो टेम्परेचर है वो शूट अप हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। और ये जो शबनम पड़ी हुई होती है, जब इस पर गर्मी पड़ती है तो एक शीशे का काम करती है, जिसकी वजह से सिट्टे के जो ऊपर, जो दाने के ऊपर जो खौल है वो स्याह हो जाता है, यानी एक किस्म की बर्निंग हो जाती है। ये सिर्फ टेम्परेचर की वजह से है, टेम्परेचर एकदम ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो फील्ड में निकले हुए हैं और हमारे काशकार भाइयों को मिसगाइड कर रहे हैं कि इसका कुछ स्प्रे किया जाए, ये रस्ट है, बीमारी है वगैरह वगैरह। ये काशकार भाइयों कोई बीमारी नहीं है और आप परेशान तो होंगे कि ये काले जो हो रहे हैं, ये ऊपर वाला खौल जो है काला हो रहा है, क्या पैदावार पर कोई असर पड़ेगा? इस पर पैदावार का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। अलबत्ता ये काम है तो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कुदरती जो काम है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। तो नुकसान इतना ज्यादा नहीं होता, बल्कि इससे ज्यादा नुकसान आपका वो होगा कि जब आप स्प्रे करेंगे, क्योंकि ये स्प्रे से रुकने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी तो है नहीं, ये तो टेम्परेचर की वजह से है। और आप अपना स्प्रे करके अपना जो माली है, माली नुकसान है, वो आप कर बैठेंगे। इसलिए आप दोस्तों को बताना था कि ये जो आप, मैं आपको ये सिट्टा दिखाता हूँ, इस तरह के जहां भी इस तरह के जो निशान आए फसल पे, आपके सिट्टों पे, गंदम के सिट्टों पे, तो आपको परेशान नहीं होना, आपने ये सब कुछ कुदरत पे छोड़ देना है, स्प्रे करके अपना माली नुकसान ना करें। तो काशकार भाई, ये आप तक इन्फॉर्मेशन जो है, मालूमात पहुंचानी थी कि आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह आपकी फसल कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, अलबत्ता अगर कहीं पे रस्ट के, यानी जिसे हम रत्ती भी कहते हैं, ब्राउन रस्ट हो गई या येलो रस्ट हो गई, उसकी अलामत अगर कहीं पे आती है तो आप स्प्रे कर सकते हैं इस बीमारी के खिलाफ। लेकिन चूंकि टेम्परेचर अब ज्यादा हो गया है तो रस्ट का हमला भी, रस्ट के अटैक का खतरा भी टल गया है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत चाहूंगा।